आदित्यपुर थाने का घेराव महिलाओं ने किया है। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर के ये घेराव किया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अवैध ब्राउन शुगर, गांजा और शराब बिक्री के खिलाफ क्षेत्र की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हाथों में बैनर तख्ती लेकर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन करती रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन क्षेत्र में अवैध नशा के कारोबार पर नकेल कसने में नाकाम रहती है तो अब महिलाएं सड़क जाम कर क्षेत्र में संचालित हो रहे नशे के कारोबार के खिलाफ आंदोलन को बाधी जाएगी। जयशंकर रही महिलाएं में जाना महिलाएं भाजपा से जुड़ी ये बातें। इस संबंध में भाजपा नेत्री सोना मुनि लोहार ने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि नशे के कारोबारी ओके मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में युवा भटक आपके रास्ते पर है, अगर इस अंकुश पर नहीं लगाया गया तो युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। भाजपा नेत्री ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस क्षेत्र में नशा के कारोबारियों पर नकेल कसने में नाकाम रहती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो सड़क भी जाम किया जाएगा। सोनामनी लोहार बोल रहा हूँ, और हमारा जो इसमें झारखंड का नौजवान बच्चा या लड़का हमारा बुजुर्ग हो, आज जो नशा जुक है, ब्रेन शुगर हुआ, दारू हुआ, गांजा हुआ, हमेशा नी टाइम नशा में बंद रहती है। और घर घर जो भी है खाना पीना छोड़ करके ये तीन नशा में व्यस्त रहता है। मम्मी या पापा को मुंह से जवाब देता है कि हम लोग ये पीने का हम लोग का मकसद है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये नशा बंद होना चाहिए। हम लोग का जो आदित्यपुर थाना बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब हम लोग को साथ दे, और पढ़ा लिखा जो बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा वो नहीं होना चाहिए। आज ये छोटा मोटा हम लोग माँ बुजुर्ग सबको हम लोग का मदद से आज आंदोलन जारी है। अगर इस जारी से हम लोग को आगे बढ़ना है, अगर यहीं से हम लोग थोड़ा बहुत बंद कर सकते हैं, अगर नहीं बंद होगा तो हम लोग जनसंख्या महिला हजार हजार लेके इस रूट में हम लोग आएंगे। हम लोग रोड जाम करेंगे, एसपी को बुलाएंगे, डीएसपी को बुलाएंगे, थाना वाला को भी बुलाएंगे। और जहाँ जहाँ दारू भट्टी चल रहा है, ब्रेन शुगर बेचा जा रहा है, उसको हम लोग बंद करके बच्चा लोग का भविष्य बढ़ाएंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा सब बर्बाद का माँ बाप से बात नहीं सुनने का कारण आज ये कदम हम लोग उठाए हैं, और हम लोग इसको जारी रखेंगे बच्चा को सुधारने के लिए।